बिसमिल्ल रन रिम अमैकम स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर थ्री केमिस्ट्री एंड डिस्कसिंग टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओके स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासीफिकेशन ऑफ़ हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन बेसिकली कम्पाउंडस होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिल बने होते हैं और इनकी डिफरेंट uh, क्लासेस हैं और मेन uh, जो क्लास है हमारे पास हाइड्रोकारबन्स की वो दो बड़ी क्लासेस में डिवाइड होती है ओपन चैन हाइड्रोकारबन्स एंड क्लोज चैन हाइड्रोकारबनस ओपन चैन हाइड्रोकार्बन जो है इसका दूसरा नाम स्ट्रेट चैन भी होता है और ओपन चैन हाइड्रोकार्बन जो हैं ओपन हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा क्लोज चेन जो हैं इनका दूसरा नाम है सेकेंड नेम साइक्लिक हाइड्रोकारबन है ओपन चेन जो होंगी वो स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स भी इन्हें कहते हैं जबकि क्लोज चेन जो हैं ये भी दो क्लासेस में डिवाइड होंगी फर, होंगी फर्दर एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक अब जो क्लास हमारे पास स्ट्रेट चेन है आ, जिसको और साथ में इसकी दो टाइप्स हैं ना ओपन चेन की स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन तो इसमें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी आते हैं और अनसेचुरेट हाइड्रोकार्बन्स भी आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे जिनमें अल्केन आ जाता है क्लास और अनसेचुरीट में अल्किन्स एंड अल्काइंस आ जाएगा हाइड्रोकारबन् की जो मेन क्लासेस हैं वो दो बड़ी क्लासेस हैं एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। ए जो है वो ओपन चेन कंपाउंड्स को कहा जाता है और ये आगे फर्दर सब डिवाइडेड हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं इनमें अल्केन्स जो है वो शामिल हैं का जनरल फार्मूला सी एन एच टू एन प्लस टू होता है वेअर एन इज द नंबर ऑफ द कार्बन आइटम्स अब अल्केन्स जो है इसमें हम डिफरेंट एग्जाम्पल आप दे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन की आ, वो क्लास जिसको हम अल्केन कहते हैं जिसको हम सेचुएटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं ये हमेशा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इनमें पाया जाता है कार्बन और कार्बन आइटम्स के दरमियान जैसा कि हमें पता है कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड हाइड्रोकार्बन में मेनली कंपाउंड्स कार्बन की वैलेंसी की वजह से बन रहे होते हैं तो कार्बन फोर साइड से बांड बनाता है यानी कार्बन ने फोर बांड बनाने हैं ठीक है तो कोवलन बांड बनता है हाइड्रोकार्बन में कोवलन बाउंडिंग होती है सिंगल डबल एंड ट्रिपल अब सिंगल कोवलन बांड जिन हाइड्रोकार्बन में पाया जाएगा उनको हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे और ये अल्केन्स होंगे अल्केन्स का जन्म फार्मूला सी होगा इसमें कुछ मिसाल हमारे पास हमें नजर आ रही है एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन अगर आप दोनों कम्पाउंड्स uh, के केमिकल फार्मूले को देखें तो सी फोर एच टेन जो है वो हमें एन ब्यूटेन में नज़र आ रहा है जबकि आईसोब्यूटेन में सी फोर एच टेन ये भी यही फार्मूला है तो इसकी वजह क्या है यानी केमिकल फार्मूला सिमिलर है लेकिन स्ट्रक्चर उनकी मुख्तलिफ है तो इस किस्म के कंपाउंडस uh, को हम स्ट्रक्चरल uh, आइसोमेरिज्म भी कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं प्रोसेस का नाम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन केमिकल फार्मूला सिमिलर है अब इसकी वजह क्या है कि एन ब्यूटेन में क्या है हमारे पास जो कार्बन है वो स्ट्रेट चेन है उसमें कोई ब्रांच नहीं है और कार्बन कार्बन से मिलके सिंगल बॉन्ड के, के जरिए कंपाउंड बना रहे एन ब्यूटेन इसको हम एन ब्यूटेन क्यों लिखते हैं नॉर्मल एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल नॉर्मल्स मीन इसमें कोई इस इस अल्केन में कोई ब्रांच नहीं है जबकि जब आइसो जब, जब लिखा जाएगा तो आइसो में फिर ये होगा कि जो आ, हमारे पास एक कोई एक कार्बन ऐसा होगा जो कि एट लीस्ट अदर टू कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो यहां वन यहाँ हमें नजर आ रहा है वन टू थ्री फोर ये फोर जो है वो कम, कार्बन के एटम्स हैं लेकिन आ, जो ऊपर वाला ये आ, जो चौथा हमें कार्बन नजर आ रहा है ये एक ब्रांच बना रहा है इस मिड वाले कार्बन के साथ तो इस वजह से इसे ब्रांच आइस जो है वो हाइड्रोकार्बन कहा जाता है और इसका दूसरा नाम जो है इसके नाम के साथ आइसो लिखा जाता है आइसो स्टैंड फॉर ब्रांच हाइड्रोकार्बन तो इनमें केमिकल फार्मूला जो है वो सिमिलर होगा नॉर्मल अल्केस के साथ लेकिन डिफरेंस क्या होगा ये ब्रांच बना रहे होंगे अब हम चलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ अन सेचूरेटेड ये जो हैं ये अल्किस एंड अलकांस होते हैं अल्कि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि हाइड्रोकार्बन में बेसिकली कोबेन बॉन्डिंग होती है सिंगल कोबेन बॉन्ड ऑल द सिंगल कोविन बॉन्डेड जो कंपाउंड्स हैं वो अल्केस क्लास में होंगे और डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एल्किन्स और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स एल्काइन्स में होंगे तो एल्किन्स और एल्काइन्स ये जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बनाते हैं एल्कीन जो है इनमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा कार्बन कार्बन एटम्स के درمیان ठीक है क्योंकि तो कार्बन ने 4 जो है बॉन्ड बनाने हैं तो इसमें जरूरी नहीं है कि वो चारों साइड से फोर बॉन्ड बनाए एक साइड से डबल बॉन्ड करके दो साइड से सिंगल बॉन्ड के जरिए भी वो अपनी फोर वेलेंसी को सेटिस्फाइड कर सकते हैं कार्बन के पास कार्बन का आटामिन नंबर सिक्स है फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन सेकंड में फोर तो सेकंड शेल को कंप्लीट करने के लिए इसको फोर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कार्बन जो है वो कोबन बॉन्डिंग के थ्रू सिंगल डबल या ट्रिपल कोब्डिंग के थ्रू अपनी आउटर आउटरमो शेल की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है अल्कि क्लास जो होगी इसका फर्स्ट मेंबर जो है वो इथिन है सी टू एच फोर और इसका जनरल फार्मूला होगा सी एन एच टू एन अब एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम तो अगर कार्बन एटम जो है वो मतलब जितने भी कार्बन एटम होंगे तो उसके साथ बॉन्डेड होने वाले हाइड्रोजन कितने होंगे वो हम इस केमिकल फार्मूले से उसको सॉर्ट आउट करेंगे तो अगर एन जो है अब जैसे हमने एग्जांपल दी इथिन uh, की अगर सी टू है तो एच कितना होगा तो सी टू है तो एच की वैल्यू निकालने के लिए टू एन किया जाएगा टू टू ज फोर इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट uh, हाइड्रोकार्बन जो है वो अनसेचुरेटेड जो है वो इथाइन है इथाइन जो है ये अल्काइन uh, ग्रुप uh, से बिलोंग करता है और इसमें हम देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है और इसकी वैलेंसी जो है वो फुली सेटिस्फाइड हो रही है एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की सूरत में इसका जनरल फार्मूला सी एन एच टू एन माइनस टू होगा अल्काइन का इथाइन इथाइन जो है इसमें ट्रपल क्रोन बॉर्डर पाई जाती है और सी एन एच टू एन माइनस टू इस जनरल फार्मूले से अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तीसरी क्लास जो है वो एक्सप्लेन होती है या हम डिफरेंट कंपाउंड को देख सकते हैं कार्बन कार्बन के ट्रिपल दरम्याल इसका मतलब क्या है ये इस में आता है यानी जब आप नाम लिखते हैं ना इन हाइड्रोकार्बन का तो प्रॉप स्टैंड फॉर थ्री कार्बन एटम तो वन आ, थ्री कार्बन एटम को जब लिखा जाएगा इसका नाम जब लिखा जाएगा तो प्रॉप स्टैंड फॉर थ्री कार्बन एटम वन uh, वन जो है वो ये वो पोजीशन शो हो रही है कि जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई अल्काइन जो है इसके एंड पे वाई एन ई होता है तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम जितने भी हों अगर ये ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर पाया जा रहा है तो हम फिर आ, नाम लिखते वक्त हम उस कार्बन का नंबर लिखेंगे जहाँ पे ट्रिपल बांध पाया जाता है और नंबरिंग स्टार्ट करते वक्त हमने नंबरिंग कहा से स्टार्ट लेनी है इस स्ट्रेट चेन में या कार्बन चेन में वहां से उस साइड से जहां डबल या ट्रिपल जो है वो करीब बाहर हो अब यहाँ सी वन जो है आप देख सकते हैं C1 जो है इस कार्बन और C2 के दरम्यान ट्रिपल बाउंड है सही तो अब इसका नाम क्या है क्योंकि इसमें तीन कार्बन आइटम है तो तीन कार्बन एटम के लिए प्रॉप वन आयन का मतलब क्या है कि कार्बन वन पे आयन ट्रिपल बाउंड पाया जाता है इसी तरह बाकी कंपाउंड्स के भी नाम लिखे गए हैं ये आप देख सकते हैं ये ट्रिपल कोबन बॉन्ड को शो कर रहे हैं ब्यूट वन आयन फोर कार्बन एटम है ठीक है फोर कार्बन एटम है और वन कार्बन एटम पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूट वन आयन इसका नाम है इस कंपाउंड को अगर देखा जाए इसमें फाइव कार्बन है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कार्बन एटम्स हैं तो एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है तो जहां ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा हम वहां से नंबरिंग कार्बन की स्टार्ट करेंगे तो पेंट वन आइन का मतलब क्या होगा कि फाइव कार्बन ये इस चेन में Uh, जो है ओपन चेन है इसमें फाइव uh, जो है कार्बन के एटम्स हैं लेकिन वन आयन का मतलब क्या है कार्बन वन uh, पे जो है वो ट्रिपल बॉन्डिंग पाई जाती है इट्स एंड ऑफ द लेक्चर एंड आई होप आपको बात समझ आ गई होगी मजी किसी किस्म की सूरत में आप बात कर सकते हैं थैंक